नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आरती पाल आपके साथ। छपरा शराब कांड के बाद बिहार सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। आपको बता दें कि अब इनकी जांच को लेकर नए चेक पोस्ट बनाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर तरह तरह की तरकीब अपनाई जा रही है ताकि बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून को सही तरीके से लागू कर दिया जाए। बावजूद इसके धड़ल्ले से शराब कारोबारी जो हैं वो अपने कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि राजधानी पटना में भी हाल में ही बहुत भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है, जिसे लेकर टाउन DSP अशोक सिंह ने क्या कुछ कहा, अब जरा वो सुन लीजिए। भारी मात्रा में शराब पकड़ी गई है। हाँ, कदम कुआं थाना पुलिस के पदाधिकारी एवं कर्मियों के द्वारा भारी मात्रा में शराब की बरामदगी की गई है। सैदपुर चौराहा के पास निकट में गली के अंदर एक मकान में रखा हुआ शराब बरामद किया गया है। बरामद किए गए शराब की मात्रा लगभग 50 कार्टून में शराब पाया गया है, जिसमें 8 PM का फ्रूटी साइज का पैक है और इसके अलावा हिस्की भी है। इसको हम लोग गिनती कर रहे हैं कि ये एक्चुअल में संख्या और मात्रा कितनी है। लगभग 50 कार्टून के आसपास है। कोई गिरफ्तार है? हाँ, अभी तक इसमें गिरफ्तारी नहीं की गई है। हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं और ये शराब किसका था, किसके द्वारा वहाँ लाया गया था और किसके द्वारा इस तरह का व्यापार किया जा रहा था, हर तरह के बिंदु पर हम लोग पूरी तरह से अनुसंधान करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे और इसमें जिसकी भी संलिप्तता होगी, मिलीभगत होगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। किसके घर से ये बरामद किया गया? अभी घर मालिक का भी हम लोग पता कर रहे हैं, घर के मालिक कौन है, लेकिन पता चल रहा है कि घर के मालिक के द्वारा किसी व्यक्ति को किराया में वो मकान दिया गया था, वह रूम दिया गया था, हॉल टाइप से है जो किराया में था और जहाँ से बरामदगी हुई है। मैं भी अभी घटनास्थल को देख कर आया हूँ और इस मकान को देख कर आया हूँ। एक नीचे में मकान मालिक रहते हैं, ऊपर में हॉल है और उसी हॉल से बरामदगी हुई है। वो मकान मालिक का कहना है कि हमने मकान को किराया पर लगाया था और किराएदार के द्वारा इस तरह का काम किया जा रहा था। इस सब आयुष्मान मकान मालिक की भी संलिप्तता सामने आई है? मकान मालिक की संलिप्तता अभी तक तो सामने नहीं आई है। हर बिंदु पर जांच किया जाएगा, जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई सख्त की जाएगी। छपरा में जहरीली शराब कांड के बाद बिहार सरकार अलर्ट मोड में आ गई है, जिसे लेकर अब कई जिलों समेत राजधानी पटना में नए चेक पोस्ट बनाए गए हैं ताकि शराब की बड़े पैमाने पर जांच की जा सके। पुलिस सक्रिय हो गई है, वहीं मद्य निषेध विभाग काफी एक्टिव है। ताजुब की बात यह है कि बावजूद उसके शराब तस्करी का सिलसिला धड़ल्ले से जारी है, ऐसे में एक बार फिर राजधानी पटना में भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। ये बरामदगी कदम कुआं थाना क्षेत्र के नाला रोड इलाके से हुई है, जहां किराए के मकान में शराब का धंधा बड़े पैमाने पर चल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यह छापेमारी की, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक पुलिस इस मामले में किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। 50 पेटी महंगी शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। तो बता दें आपको कि किराए के मकान पर यहां धड़ल्ले से शराब का कारोबार जो है वो फल फूल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और काफी मात्रा में शराब बरामद भी की गई। वहीं आपको बता दें कि इस बीच फिलहाल किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं की गई है, लेकिन इस मामले में जांच लगातार जारी है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिस तरह से शराबबंदी वाले राज्य में धड़ल्ले से ये कारोबार फल फूल रहा है, ऐसे में नकेल कसने को लेकर सरकार हमेशा चौकन्नी नजर आती है, बावजूद इसके ये खेल थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में अब क्या कुछ सरकार इस पर और आगे पहल करती है, ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी। ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए यूं ही जुड़े रहे हमारे साथ, और तब तक के लिए मैं दे इजाजत। नमस्कार।